ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। मीसा भारती ने कहा है कि यदि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी और बीजेपी नेता जेल में होंगे। अब इसे लेकर एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। मीसा के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर भर दिए। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिस पर मच गया है सियासी घमासान। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती चुनाव प्रचार करने मनेर पहुंची तो मीडिया के सवालों पर कह दिया कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पीएम समेत बीजेपी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, जिनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर भर दिए। मीसा के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक जोरदार पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से लेकर पार्टी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए, ये मॉल से लेकर फार्म हाउस तक कैसे पहुँच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कहेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। चुनाव में बस गिनती के दिन बच गए हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज बिहार में धुआंधार प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हुए जिस तरह से मीसा भारती ने प्रहार सीधे प्रधानमंत्री पर किया है, उसने गर्म मौसम में भी सियासत को बेहद गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अंडमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये लोग मोदी जी को गाली देते रहते हैं, इनकी हताशा चरम सीमा पर है। जो खुद बेल पर हैं वो मोदी को गाली दे रहे हैं, ऐसे लोगों को कमल पर वोट देकर जवाब दें। मीसा भारती ने अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप कभी बिच्छू कभी क्या कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। गर्मी ने दस्तक दे दी है। भीषण गर्मी की वजह से अभी से ही मुश्किलें बढ़ने लगी है। चुनावी व्यस्तता के बावजूद पीएम मोदी ने हीट वेव को लेकर के एक बैठक की। पीएम ने अधिकारियों से हीट वेव को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।